दोस्तों, प्रिफिक्स सफिक्स इन उर्दू हिंदी की इस श्रृंखला में आज हमने एक प्रिफिक्स ला और एक सफिक्स ना को चुना है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ला और नाक हमारी आम बोलचाल का हिस्सा हैं। हम इससे बने शब्दों का इस्तेमाल खूब करते हैं, तो इस वीडियो में हम प्रिफिक्स ला और सफिक्स ना से बनने वाले शब्दों पर ध्यान देंगे। वो शब्द जो बहुत आम बोलचाल में हम इस्तेमाल करते हैं, जो हमारी भाषा का एक अभिन्न अंग हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि प्रिफिक्स ला का मतलब क्या होगा। जब भी हम किसी शब्द के आगे प्रिफिक्स जोड़ते हैं तो उससे एक सेंस पैदा होता है विदाउट, इन, अन, नॉट और लेस का। हमारा पहला जो शब्द हमने चुना है वो है ला उबालीपन। बहुत सुनते हैं हम, बहुत इस्तेमाल करते हैं, जिसका मतलब होता है जल्दबाजी, केयरलेसनेस, और कभी कभी हम इमैच्योरिटी के मतलब में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। लाउबाली, लापरवाह, जल्दबाज, केयरलेस या कभी कभी रेयरली एटीट्यूड। ला तादाद, जैसा आप जानते हैं तादाद का मतलब उर्दू में संख्या होता है। ला तादाद, काउंटलेस, इन्यूमरेबल, असंख्य, जिसे गिना ना जा सके। लासानी, अतुलनीय, अनपैरेलल्ड, मैचलेस, इनकम्पेरेबल। लाचारी, बहुत सुनते हैं हम ये, मजबूरी, हेल्पलेसनेस। लाचार एडजेक्टिव है, मजबूर, हेल्पलेस। ला हासिल, निरर्थक, अनुपयोगी, जिसका कोई इस्तेमाल ना हो। यूजलेस, अनप्रॉफिटेबल, अनप्रोडक्टिव। ला हासिली, निरर्थकता, अनुपयोगिता, यूजलेसनेस, अनप्रोडक्टिवनेस। ला दवा, त्यागना, अचिकित्सीय, रिलिंक्विश, वंस क्लेम। ला दीनी, अधार्मिकता, इरिलीजियसनेस। ला दीन, अधर्मी, जिसका कोई रिलीजन ना हो, कोई धर्म ना हो, इरिलीजियस। ला रैब, निसंदेह, डाउटलेस। ला जवाल, अमर, एवरलास्टिंग, हमेशा रहने वाला। ला शऊर, अवचेतन या अचेतन या अचेतन मन, द सबकॉन्शियस। ला इलाज, अचिकित्सीय, इनक्योरेबल, जिसका कोई इलाज ना हो सके। ला इल्म, अनपढ़, जाहिल, जिसे कुछ नहीं आता, या कभी कभी बेखबर, इग्नोरेंट, अनअवेयर। ला इल्मी, अशिक्षा, इग्नोरेंस, अनअवेयरनेस। ला मकान, बेघर, होमलेस। ला वारिस, परित्यक्त, वेफ, अनक्लेम्ड, गुड या प्रॉपर्टी, हायरलेस। ला वलद, निसंतान, इशूलेस, चाइल्डलेस। लायानी, निरर्थक, एब्सर्ड, इररिलेवेंट। ला बमोत, अमर, इमॉर्टल। लापता, लुप्त, खोया हुआ, लॉस्ट। लापरवाह, बहुत इस्तेमाल में है, अनुत्तरदायी, केयरलेस। लापरवाही, असावधानी, केयरलेसनेस। ला मुहाला, निस्संदेह, श्योरली, सर्टेनली, डेफिनेटली। ला जवाब, अतुलनीय, अद्वितीय, साइलेंस्ड, अनपैरेलल। अब हम बात करेंगे सफिक्स नाक की। नाक सफिक्स जब हम किसी शब्द के आगे लगाते हैं तो उसका मतलब होता है फुल ऑफ और अफेक्टेड विद। लेकिन याद रखिए कि जब भी हम नाक शब्द सफिक्स लगाते हैं किसी शब्द में, तो उससे बनने वाले जो भी शब्द होते हैं उनका जो कॉनोटेशन होता है वो ज़्यादातर निगेटिव होता है, नकारात्मक। ऐसे बहुत कम शब्द हैं जो कि नाक के साथ बने हैं और पॉजिटिव अर्थ देते हैं। सबसे पहले हमने एक शब्द चुना है जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में है, दर्दनाक, दुखद, पेनफुल, ट्रेजिक। फिर अफसोसनाक, खेदयुक्त, शोकार्थ, सोरोफुल। खौफनाक, भयंकर, फेरसम। गजबनाक, प्रकोप, रैथफुल, फ्यूरियस। खतरनाक, संकटपूर्ण, डेंजरस। हौलनाक, भयानक या भयंकर, फ्राइटफुल, टेरिबल। ताबनाक, ये एक शब्द है जो बनता है नाक के साथ लेकिन इसका अर्थ पॉजिटिव है, उत्कृष्ट, बेहतरीन, ब्रिलियंट। दहशतनाक,
आतंक में, ड्रीडफुल, टेरिफाइंग, हैरतनाक, अद्भुत, अमेजिंग, शर्मनाक, निंदनीय, शेमफुल, हैबतनाक, निरशंस, आफुल, फेयरफुल। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें हिंदी उर्दू लर्निंग स्टेशन। थैंक यू।